लेट्स हैव फन टुगेदर। प्रेग्नेंट लड़का नहीं होता है, प्रेग्नेंट लड़की हो जाती है, क्योंकि जब लड़की माँ बन जाती है तो उसे पता नहीं चलता, यू नो, तो खिड़े पढ़ पढ़ के मरोगे। As in like if you are living in a relation, like हाँ. living relationship अगर चालू है तो आप एक दूसरे के ऊपर rape के and all cases नहीं कर सकते हो। Oh my God, shit, really? ऐसा आया कोर्ट से? जी। चलो बेचारे आदमी लोग जुलझ रहे थे, पार्टी मना रहे होंगे, हैं? सब लड़के लोग पार्टी मना रहे हो तुम लोग लड़कियों से खिलवाड़ करके? ये कोर्ट ने ऐसा क्यों? नहीं चलेगा ऐसा। हाँ? नहीं चलेगा ऐसा। सर नहीं चलेगा ऐसा थोड़ी ना। देखो लड़की को प्यार होता है, लड़की बिजनेस करने करती है, कभी फिल्म इंडस्ट्री में, कभी देखिए मैं आपको सीधा बताती हूँ, एक लड़की को प्यार होता है, ठीक है, वो अपना उम्मीदें लेकर यहाँ पर काम करने आती है, बॉलीवुड में हो या एयरहोस्टेज हो या बिजनेस करने आती है, किसी भी फील्ड में हो, और प्यार होता है और साथ में लड़का लेकर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, लड़का उसको बार बार बोलता है आई एम गोइंग टू मैरी यू, लेट्स हैव फन टुगेदर, यू अंडरस्टैंड? तो लड़की मान जाती है कि हाँ ठीक है चलो, हमारी तो शादी होने वाली ही है, वैसे शादी से पहले कुछ भी गलत करना गुनाह है, नहीं करना चाहिए। सुष्मिता सेन की अगर बात नहीं करना चाहिए। बट मेरी बात अभी आप कंप्लीट होने दो, तो बट ये गलत है, अगर लड़की के साथ कुछ हो गया, प्रेग्नेंट लड़का नहीं होता है, प्रेग्नेंट लड़की हो जाती है, यू अंडरस्टैंड, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अगर उसका वो बेबी है, तो अगर वो लड़के ने शादी नहीं किया तो क्या सिंगल मदर बन जाए या अबॉर्शन करा ले? तो कोई तो कानून होना चाहिए ना, क्या करें अब लड़कियां क्या करेगी? गाइज यूज प्रिकॉशन, सबसे बेस्ट, गर्ल्स सेव योर सेल्फ। ओ माई गॉड, आई एम सो सैड अबाउट गर्ल्स, देर इज नो कानून फॉर गर्ल्स, सो सैड। हिंदुस्तान में गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को प्यार हो जाता है तो काम धंधा ना करे, डायरेक्ट शादी कर ले, और शादी करने के बाद लड़के लड़के की फैमिली वाले उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, आप काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो पहले लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, यू नो, आई डोंट नो, आई एम सैड अबाउट दिस। ये कौन निकाला, ये कानून कौन निकाला है? उनके घर में ये सब कांड हो जाना चाहिए जिन्होंने ये कानून निकाला। आई सैड, मतलब आई फील वेरी सैड अबाउट गर्ल्स, ये गलत है। अब तुम भी एक लड़की हो, है ना, कल जाके मेरे साथ भी कुछ हुआ, समझो, या तुम्हारे साथ, तो हम तो किसी लड़के को, तुम तो सब मुस्टंडे यहाँ खड़े हो, लड़के लोग यहीं कर रहे हो, यू नो, बहुत गुस्सा आता है मुझे। लड़कियों के लिए स्ट्रिक्ट कानून होनी चाहिए, लड़की जाके कंप्लेंट भी कर सकती है कि उसके साथ रेप हुआ है, मी टू हुआ है, लड़की जाके कंप्लेंट कर सकती है कि भाई आई एम प्रेगनेंट एंड मेरे, यू नो, मेरे बच्चे का फादर ये है, शी शुड कंप्लेंट, और वो लड़का उससे शादी करनी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोग एंड ऑफ द डे, हम लोग अमेरिका लंदन में नहीं रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तब लड़कियों के लिए कोई रूल्स ही नहीं है, तो बेचारी क्या करेगी, जाएगी हॉस्पिटल में जाएगी बेचारी, और पाप हो जाएगा उसके हाथों अबॉर्शन का, क्या करेगी बेचारी, क्या करेगी? क्योंकि जब लड़की माँ बन जाती है तो उसे पता नहीं चलता, यू नो, आई फील वेरी सैड। कानून चेंज करो फटाफट, देश की लड़कियों को मत बिगाड़ो, मत करो इतना अत्याचार, मत करो लड़कियों के साथ, देश की लड़कियों के साथ अत्याचार मत करो। लड़के बहुत फुदक रहे होंगे, ओ अब तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कानून जो है, कानून ने ये जो रूल्स कानून ने बदला है, लेकिन गॉड का रूल्स है ना, वो बहुत बुरा है। आप किसी लड़की के साथ ऐसा गलत किए ना, तुमको ज़िंदगी में भुगतना पड़ेगा, कभी तो शादी करोगे, फिर तुमको बच्चे नहीं होंगे, फिर तुमको प्रॉब्लम होगा, तो खिड़े पढ़ पढ़ के मरोगे। तो गुस्सा आ रहा है मुझे, आपको लो मिनिस्टर बनना है, कानून मिनिस्टर, मुझे कानून मिनिस्टर बना दो, मैं लड़कियों के लिए, मेरे देश में एक रेप नहीं होगा, मेरे देश की लड़कियों के लिए इतने स्ट्रिक्ट कानून होंगे, जितने भी लड़के होंगे वो राखी सावंत कानून मिनिस्टर का नाम सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उनका ये भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तुम सब लड़के हो ना, है मेरे पे गुस्सा कर रहे हो, उड़ उड़ के मारूंगी तुमको, बात सही है।
ऑफ कोर्स तुम्हारी भी बहनें हैं ना, आपको मिनिस्टर बनना चाहिए। डेफिनेटली आई विल, आई वांट टू, कानून का लॉ मिनिस्टर मुझे बना दो।